हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो साइंस से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को उस टॉपिक से कैसे विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ए में है अपकेंद्रीय और बी में है विषय। देखिए, वाशिंग मशीन का जो सिद्धांत होता है, कार्य सिद्धांत, वह अपकेंद्रीय होता है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, कौन एक सदिश राशि है? तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब होता है सदिश। तो यहाँ पे संवेग है, तो ये उत्तर इसका ए हो गया, दाब अदिश है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के वेग और संवेग, यहाँ अनुपात पूछ रहा है, तो याद रखिएगा संवेग और वेग ये होता है द्रव्यमान का, ठीक है। द्रव्यमान बराबर संवेग बटा वेग, यानी वेग और संवेग के अनुपात से द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। पूछा कौन सी भौतिक राशि की, तो द्रव्यमान की। अगला है, बल गुणनफल है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा, जबकि बी में दिया है भार और वेग का, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा न तो सृजित होता है न उसका विनाश होता है, बी में है विनाश होगा। देखिए, मान लीजिए कोयला है, ये कोयला है, अगर इसको जलाते हैं और इससे हम बिजली बनाते हैं, तो ऊर्जा का यहाँ खत्म होगा, उतना ही इतना बिजली का निर्माण होगा, यानी ऊर्जा का न तो विनाश होता है और न ही सृजन होता है। अब इसको जो है एग्जाम में घुमा के पूछ देता है, कभी कभी ये कह देगा कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है न विनाश, न कभी कभी प्रश्न पूछ देगा ऊर्जा का न तो विनाश होता है न सृजन, बात बराबर है, याद रखिएगा ऊर्जा का न तो विनाश होता है और न सृजन होता है। अगला प्रश्न है, क्यों सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है? इसका कारण है कि आपको पता ही होगा, बर्फ में घर्षण कम होता है, बर्फ चिकना होता है, जब उस पर हम पैर रखते हैं तो उसको पैर को उठाकर चलने के लिए, चूँकि घर्षण नहीं होता है तो काफ़ी बल लगाना पड़ता है, वहीं जब सड़क होता है तो उसमें घर्षण होता है, पैर में के तलवे में भी घर्षण होता है, तो आसानी से जो है हम चल पाते हैं। तो यहाँ पे होगा बर्फ में घर्षण अधिक होता है, ये नहीं होगा, बर्फ में घर्षण कम होता है, इसी कारण जो है उस पर चलना जो है कठिन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इसका सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था। उन्होंने एक फल को देखा था कि वह जैसे सेब उन्होंने देखा था, तो पेड़ से टूटा तो नीचे आया, वह ऊपर नहीं गया, तो उनके मन में हुआ कि आखिर ये सेव नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण है गुरुत्व नहीं होता है निर्वात में, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पिसा के झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्यों? इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली लाइट तल के अंदर रहता है। मान लीजिए कि ये पिसा है, ठीक है, तल के अंदर में ये होता है, इसके कारण जो है यह गिर नहीं पाता, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, न्यूटन से पूर्व किसने दिया था? देखिए, इस सिद्धांत को सबसे पहले भारत में ब्रह्मगुप्त दिया था और विश्व में न्यूटन ने दिया था। चूँकि ब्रह्मगुप्त का नाम अधिक नहीं आ पाता है, जो कि हमारा देश गुलाम हो गया था और बाद में जो रिसर्च हुआ तो अधिकतर अंग्रेजों के नाम पे ही होता रहा, वैसे स्थिति में बाद में जब भारतीय इसके बारे में जाने तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, न्यूटन से पहले जो है ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था, इसलिए न्यूटन रहे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में सबसे पहले रहे ब्रह्मगुप्त, और न्यूटन है तो आप ब्रह्मगुप्त को लगाइएगा, ब्रह्मगुप्त नहीं रहे तो आप न्यूटन को लगाइए। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा? देखिए, कोई भी वस्तु ऊपर से जब गिरेगा तो उसका भार में परिवर्तनशील होगा, यानी भार परिवर्तित होगा। जैसे मान लीजिए चांद पे कोई वस्तु 1 kg का है,
पृथ्वी पर आता है तो 6 केजी का हो जाता है। एक उदाहरण से आपको समझाएं। अगला है, लकड़ी मोम और लोहा का समान आकार का टुकड़ा पृथ्वी पर गिराया जाए, कौन पहले पहुंचेगा? तो सबसे पहले लोहा पहुंचेगा, अगर समान आकार का है, ठीक है। इसमें बोला है समान आकार का, ये नहीं कहा है कि समान भार का। तो समान आकार का सीधी सी बात है, मोम हल्का होगा, उसके बाद लकड़ी हल्का होगा और सबसे भारी जो है आयरन होगा। सबसे हल्का मोम होगा, उसके बाद उससे भारी लकड़ी का टुकड़ा होगा और सबसे भारी होगा लोहा, तो वो क्या होगा, तेजी से नीचे आएगा, अगर समान आकार की बात बोल रहा है। यहाँ पे समान भार की बात नहीं कहा है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक है तो ध्रुवों पर होगा, ध्रुव होता है उस यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भार होता है और विषुवत रेखा इसको काटती है, तो विषुवत रेखा यहाँ से काटती है, इस पर कम होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे किसी पिंड का भार अधिक होगा कहाँ, तो ध्रुवों पर होगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है, सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? सबसे अधिक भार तब मालूम होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, ठीक है, इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सबसे अधिक भार जो है मालूम होगा। दोस्तों, ये साइंस से प्रश्न है, खासकर भौतिकी में यांत्रिकी से संबंधित ये प्रश्न था। इससे जो है 100% आपको BPSC बिहार दरोगा, BSSC, UPPCS, UPSI बिहार टीचर, UP टीचर, चाहे कोई भी PCS का एग्ज़ाम हो, वहाँ यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। मैं प्रश्न और उत्तर ऑप्शन के साथ करवा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो। आप पढ़ते तो चैप्टर बहुत हैं किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, और जब एग्ज़ाम हॉल में यही प्रश्न बन के आता है तो आप वहाँ पे सोचने लगते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा। ऐसे स्थिति में सर पे हाथ होता है या चिंतित आप होते हैं। आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का घर से ही, तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको आसानी होगा। इसलिए आप मेरे साथ प्रत्येक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आए तो आप आसानी से आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।